कैसा लग रहा है मन आपको? सरप्राइज कैसे लगा ताजमहल का? वो लोग जरूर मिस करेंगे इसको। कौन कौन मिस करेंगे बता दो एक बार नाम। सो गाइस अभी हमने ले लिया है टोकन, 50 रुपए का पड़ा है। अल्पेश यादव का जो दोस्त है कटारिया उसकी तरह लग रहा है भाई। कमेंट करके बताना जरूर कि लग रहा है कि हम लोग आ गए हैं दुबई और ये आप देख रहे हैं बुर्ज खलीफा। कब मैं बोल पाऊँ वो, बस इतना प्यार देना यार, एटलीस्ट लाइक वाइक किया करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज की हमारी वीडियो होने वाली है ताजमहल पे। हम लोग ताजमहल जाने वाले हैं। मतलब आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी गतिमान एक्सप्रेस की, तो आपको पता ही होगा हम लोग हैं अभी आगरा में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी आपको एक और चीज़ बतानी है। वैसे मेरे को इंडियन रेलवे की ये चीज़ बहुत बस लगी, ये एक लॉक रूम है। मतलब मैंने इसका पहली बार यूज़ किया, मतलब मेरा ताजमहल में स्टे तो था नहीं, तो मैंने सोचा ये लॉक रूम का यूज़ करूँ। तो मेरे पास 2 बैग थे, तो 2 बैग मैंने सबमिट किए यहाँ पे। मतलब 24 घंटे का मेरे को 15 रुपये देना पड़ा। अगर आपके पास बड़ा ट्रॉली बैग है उसके लिए 20 रुपीज़ देना पड़ता है। मतलब ये चीज़ अच्छी लगी। कोई भी जैसे दिल्ली वगैरह से जाते हैं घूमने के लिए ताजमहल, अगर आपको रुकने का मतलब नहीं रुकते हो आप, तो आप लॉक रूम में अपना बैग वगैरह सबमिट करा सकते हैं। वहाँ से ईजिली है, यहाँ से एक पर्ची मिलेगी आपको, रिटर्न के टाइम पर्ची दिखा के वो बैग मिल जाएगा। मतलब सही रहेगा यार ताजमहल में अगर देखने जाते हो तो, कौन बैग लेके इतना गर्मी में ढोए, इससे बढ़िया आप लॉक रूम में रख सकते हो। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं ताज महल। कैसा लग रहा है मन आपको? सरप्राइज कैसे लगा ताजमहल का? अनएक्सपेक्टेड था भाई, अनएक्सपेक्टेड था ना। मुझे लग तो रहा था कि वहां पर शॉप पे छोटे छोटे ताजमहल लगे हुए थे। दो लोग और मिस करेंगे है ना? कौन कौन मिस करेगा? बैठे हो सब, सादा घुमा के छोड़ूंगा यहाँ के। रिक्शा राइड भी करने को मिल गई हमें। अब बताओ कैसा लग रहा है? बस में बैठता था पीछे, आज कितने टाइम बाद बड़ा बड़ा हो गया। हमें अनएक्सपेक्टेड था ना ये पूरा पूरा भाई। मुझे लग तो रहा था वहाँ शॉप थी, शॉप में ना ताजमहल रखे। बाकी दो लोग जरूर मिस करेंगे इसको। कौन कौन मिस करेंगे बता दो एक बार नाम। बताइए आकाश और रोहित। आकाश और रोहित भाई नेक्स्ट टाइम कवर ले लें। हाँ भैया कवर ले लेना, कवर भी अंदर मिलता था फ्री में। तो करीब 1.5 घंटे सोचने के बाद हमने 2 सनग्लासेस डिसाइड करे हैं शर्मा जी। ये एल्विश यादव का जो दोस्त है कटारिया उसकी तरह लग रहा है भाई। कमेंट करके बताना जरूर कि लग रहा है कि नहीं लग रहा। बाकी तुम्हारा भाई कैसे लग रहा है वो भी बता देना कमेंट में। बाकी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। बाकी चलो ताजमहल दिखाता हूँ आपको। सो गाइस अभी हमने ले लिया है टोकन, 50 रुपये का पड़ा है। राम राम भाई, 50 रुपये का पड़ा है। शर्मा भाई भी है हमारे साथ। 2 टोकन लिए हमने, 100 रुपये के पड़े। बाकी रश बहुत है यार, सैटरडे संडे बहुत रश होता है। मतलब आप लोग तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सैटरडे संडे थोड़ा परहेज ही करें आने से। बाकी फ्राइडे ऑफ रहता है ताजमहल, तो बंद रहता है। मतलब आप मंडे से थर्सडे आ सकते हैं, अच्छा टाइम है आपके लिए। बाकी गर्मी बहुत हो रही है, आप आए तो 4 बजे के बाद आए। एंट्री हो गई शर्मा जी? हाँ आ जाओ फिर, हो गई तो। आईडी किसने निकलवाई जब चेक ही नहीं किया तो? हाँ बाकी चेकिंग के लिए लंबी लाइन है यार। वीकेंड्स पे तो होती है भी। पॉइंट 5 पे रख के शूट करना पड़ेगा भाई, 1 पे ज़्यादा ही क्लोज आ जा रहा है ये मेरे। शर्मा जी हाउ इज द जोश? हाय सर। ओके Thank you.
आप लोग अगर ताजमहल आए हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस करी है, मतलब जो ये गेट है, गेट के पीछे से ताजमहल देखो तो कितना पास दिखता है, लेकिन आप आगे इस गेट से जैसे ही पार करोगे उसके बाद ताजमहल को देखना कितना दूर हो जाता है। मतलब अगर आप नेक्स्ट टाइम जब ताजमहल जाओ ना तो ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना। चलिए जब तक शर्मा जी की फ़ोटो शूट हो रहा है तो मैं आपको ताजमहल के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे दूँ। ताजमहल के बारे में बात करूँ तो ये तो आपको पता ही होगा ताजमहल किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था मुमताज़ अपनी जो उनकी वाइफ है मुमताज़ के लिए। ये 1628 से 1658 तक मतलब इसका काम चला था। और आपको एक और चीज़ बतानी है मेरे को, ये जो ताजमहल है मतलब इसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड 2007 में इसे डिक्लेयर किया गया था। बस आपको ये छोटी सी जानकारी देनी थी। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एटलीस्ट इस चैनल में वीडियो लाइक करना, इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस अभी हम लोग आए थे ताजमहल में, देख पा रहे होंगे हमारे पीछे। बाकी शर्मा जी को चस्का चढ़ा था फोटो खिंचवाने का, भाई ने कहा था कि दो फोटो खिंचवाएंगे। कितने खिंचवाए भाई? 18 खिंचवा ली दोस्त से। पर पर्सन पर फोटो 50 रुपीस पर फोटो। यही कम कर दिया था उसने, कम कर दिया था। भाई को बता दिया था हम यूट्यूबर है तो थोड़ी जान पहचान है, समझो सिस्टम। 1000 रुपये में 40 दे रहा था। हाँ उससे कम नहीं, हमने ली कितने में? क्या 800 रुपये में लिया। वही तो 800 में करवा लिया। 818 नहीं, उसने कहा 20 कर देगा। 20 कर देगा? हाँ 20 कर देगा। बाकी आप ये देखिए ताजमहल, प्यार की निशानी। चलो आपको इसके पीछे का भी दिखाता हूँ, यमुना रिवर है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ताजमहल। बस ऐसे ही आप लोग प्यार करते रहो। कब मैं बोलूँ कि हम लोग आ गए हैं दुबई और ये आप देख रहे हैं बुर्ज खलीफा, कब मैं बोल पाऊँ? वो बस इतना प्यार देना यार, एटलीस्ट लाइक वाइक किया करो। पता नहीं क्यों गुस्सा हो जाते हो आप लोग, एटलीस्ट लाइक भी किया करो है शर्मा जी, तो कमेंट भी किया करो। बाकी ये देख रही हो। बाकी यार पहले इसके ऊपर जाने पर मतलब इसका फेयर एकदम फ्री था, बट अब ये लोग कह रहे हैं कि 200 रुपये लगेंगे। मे बी रेनोवेशन का काम चल रहा था उसके बाद से ये किया हो। बाकी सही एक्सपीरियंस। चलो शर्मा जी, सो ये आपको दिख रहा होगा ताजमहल, ये शर्मा जी और ये मैं। बाकी यमुना रिवर भी है यहाँ पे, वो भी आपको दिखाता हूँ। उनको ये दिख रहा होगा यमुना रिवर। शर्मा जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। पहले फ्री था यार, अब 200 रुपये ज़्यादा लेने, पता नहीं मैं तो पहली बार आया हूँ। बोलो शर्मा जी। बाकी लास्ट बार तो कोई मत आना। हाँ बहुत अच्छी है, 4 बजे के बाद है ना, मस्त एकदम। 4 बजे के बाद आओ, मज़ा आएगा और बारिश वाला वेदर है तब आओ। गर्लफ्रेंड हो तो जरूर आइएगा, हमारी तो है नहीं, कोई सिंगल नहीं। नहीं बता लियो, बाकी लाइक कर देना आप लोगों को भी अच्छा लगे।
चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आशा करता हूँ आपको ये ताजमहल की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आपसे मिलते हैं और किसी नई जर्नी में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर। निशानी ताजमहल, बाकी यार इसका फेयर कर दिया 200 रुपये। अगर आप लोग भी आते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें। बाकी बाहर एक फ्रॉड होता है, ये शू कवर मिलते हैं 10 रुपये के और यहाँ फ्री में मिलते हैं आपको। आज 0.5 पे रखा गया। बाकी ये भाई का चश्मा कैसे लग रहा है? कटारिया भाई आए हैं, हमें मिले। कटारिया भाई नहीं है भाई, मेरा अमन भाई, नाम है अमन भाई, अमन शर्मा है भाई। शर्मा यार सबकी जान है, यहीं से चलेंगे। यहाँ से कहाँ?